हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी पेस्ट ऑफ वीट। आज हम लोग वीट के पेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके एक ऐसे क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं, इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेस्ट ऑफ वीट, टर्माइट, आर्मी बॉर्म और गुजिया बीवी, ये तीन पेस्ट हैं जो ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं वीट क्रॉप को। टर्माइट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो वो देख लीजिएगा। आज हम लोग दो के बारे में पढ़ने वाले हैं, पहला आर्मी वॉर्म और दूसरा गुजिया बीवी। सबसे पहले पढ़ते हैं आर्मी वॉर्म। इसका सेकेंड नाम होता है क्लिम्बिंग कट वॉर्म। इसका साइंटिफिक नेम होता है माइथिमना सेपरेटा। इसका ऑर्डर होता है लिपियोडेप्टेरा और इसका फैमिली होता है नॉक्टिडी। अब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। कैसम पोटीन प्रोमनेंसा पेस्ट एंड हैज ग्रेंड प्रोमनेंस एज ए पेस्ट ऑफ वीट ओनली रिसेंटली, पार्टिकुलरली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिकन वेराइटी ऑफ इंडिया। ये मतलब मैक्सिकन वेराइटी जो वीट होता है उसी में सबसे ज़्यादा ये होता है। इसका होस्ट रेंज देखते हैं। इसका होस्ट रेंज है वीट, शुगर कैन, मेज, ज्वार, बाजरा, बरून ग्रासेस जिसको हम बोलते हैं सोरगम, हिलपेंस एंड अदर ग्रेमनीज क्रॉप्स। ये देख आप जो देख रहे हैं ये आर्मी वॉर्म का लार्वल स्टेज है। ये यही सबसे ज़्यादा होता है जो क्रॉप को नष्ट करता है। एक आप देख रहे हैं किस तरह से मुड़ा हुआ है, ये इसका एडल्ट स्टेज है और ये किस तरह से क्रॉप को डैमेज किया है और इसमें कैसे सर्वाइव किया है। उसके बाद इसका हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल। इसका लाइफ कैसे साइकिल कैसा होता है। आर्मी बॉर्म कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इसका मतलब कि इसमें फोर स्टेजेज होते हैं, एग, लार्वल स्टेज, प्यूपा स्टेज एंड एडल्ट स्टेज। एग होता है जो 50 to 20 एग होता है जो एक फीमेल पेस्ट देते हैं। उसके बाद ये लार्वल स्टेज में पहुंच जाता है। लार्वल स्टेज जो होता है वो 14 to 20 डेज तक होता है। उसके बाद ये प्यूपा वाला स्टेज में पहुंच जाते हैं। प्यूपा वाला स्टेज में 88 to 30 डेज तक रहते हैं। उसके बाद ये फिर एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद इसका हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ डैमेज, ये किस तरह से वीट क्रॉप को डैमेज करते हैं और कौन से स्टेज में ये ज़्यादा डैमेज करते हैं। द फ्रेशली इमर्ज लार्वल स्पिन थ्रेड फ्रॉम विच दे सस्पेंड देमसेल्व्स इन द एयर एंड देन विद द हेल्प ऑफ एयर करेंटली रिसर्च रिच फॉर्म ऑन प्लांट द अनदर। इसका मतलब हुआ कि ये हवा के धाराओं की मदद से एक पौधे से दूसरे पौधे तक ये आसानी से पहुँच जाते हैं। जैसे जिस डायरेक्शन में हवा का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन के थ्रू एक क्रॉप फील्ड से दूसरे क्रॉप फील्ड में आसानी से पहुंच जाते हैं। इन द अर्ली स्टेज दे फीड ऑन टेंडर लिप्स इन द सेंट्रल होलर एंड द लेटर फीड ऑन ओल्डर लिप्स एंड सिक्लोनोट्रोजी देन टोटली। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जो प्लांट का कोमल लीफ होता है उसके हम सबसे पहले खाते हैं, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है तो वो पुराने लीफ पर अटैक करते हैं और ये इसी तरह से उसके प्लांट को पूरे को कंकाल की तरह बना देते हैं। इन द केस ऑफ सेवर अटैक होल लीव्स इंक्लूडिंग द मिड रिब आर कंज्यूम्ड एंड द फील्ड लुक्स एज ए ग्रेजी बाई कैटल। मतलब इसको ऐसे इस तरह से डैमेज करते हैं जैसे लगता है कि कोई एनिमल्स वगैरह इसको अटैक किए और उस तरह से एकदम बर्बाद हो जाता है क्रॉप। ये आप देख रहे हैं ये लार्वल स्टेज है जो किस तरह से ये क्रॉप के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं और ये किस तरह से ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो क्रॉप ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई मवेशी या जानवर इसे ख़त्म कर दिए हैं। उसके बाद इसका मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ये किस तरह से इसको हम मैनेजमेंट करते हैं। यूज ऑफ लाइट रैप, सबसे पहले तो इसको लाइट रैप का यूज करते हैं। लाइट रैप के कारण ये लाइट के डायरेक्शन में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉलियोप्टेरा बाई द हैंडल। इसका लार्वा होता है उसे हम हाथों से पकड़कर उसे हम नष्ट कर सकते हैं। कलेक्शन
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईग मासेस है, इसके अंडे को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर हम केमिकल स्प्रे के द्वारा स्प्रे 500 ml डाइक्लोरोवेस 85 SL और 3 kg ऑफ कार्वेल 50 WP ऑफ 1 liter ऑफ कॉनिलफोस 25 EC इन 500 liter ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। ये मतलब ये जितने सारे केमिकल हैं इसको हम स्प्रे करके वाटर में मिक्स करके पर हेक्टेयर से इसको हम स्प्रे करते हैं। फिर हम दूसरा पढ़ते हैं गुजिया विविध, ये इसके हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, साइंटिफिक नेम्स वगैरह इसको पढ़ते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है टर्मेशियस इंडिकस, इसका ऑर्डर होता है कोलियोप्टेरा और इसका फैमिली होता है कुरकुरमेंडियस। इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, मतलब किस इसका वितरण पढ़ते हैं। सप्रोडिस पेस्ट ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस इन वीट ग्रोइंग एरिया एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश बिहार एंड पंजाब, इसका मतलब है कि गेहूँ उगाने वाले क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया एक्सेट्रा। इसका होस्ट रेंज देखते हैं, ग्रेमनिंग रबी क्रॉप्स, इसका मतलब वीट वारले ग्राम एंड मस्टर्ड, ये इतने सारे क्रॉप पे ये ज़्यादा हार्म करते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन, इसका हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन में इसका कैसे कैसे स्वरूप होता है। सबसे पहले एडल्ट, इट इज ए ग्रेजी एंड ग्रेसियस बॉर्न विविल मेजरिंग 5 mm लॉन्ग, ये 5 meter लॉन्ग होता है और ये ग्रेजी कलर का होता है। एडल्ट हीट ड्यूरिंग द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द डे एंड गेट एक्टिव इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में ही दिखाई पड़ते हैं और ये जब इस पर लाइट आता है तो ये छुप जाते हैं। इसका हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है। एक आर लेडी सिंगल अंडर क्लॉट्स ऑफ सॉयल 80 eggs पर फीमेल, इसका फीमेल होता है जो एक बार में 80 अंडे देते हैं। एक हैच इन 15 to 50 days डिपेंडिंग इन क्लाइमेट, मतलब ये लगभग 15 दिन में भी दे सकते हैं और 50 दिन में दे सकते हैं, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। लार्वल डेवलप्ड इन सॉयल इन अबव 3 months, इसका लार्वा होता है जो 3 month तक मिट्टी में डेवलप करता है। आफ्टर 2 months ऑफ प्यूपेशन एडल्ट द फॉर्म्ड ड्यूरिंग अप्रैल टू मई, वट एडल्ट रिमेनिंग इन सॉयल टिल जून एंड कम्स आउट विद रेंस इन जून एंड वेन सोरगम इज अवेलेबल इन द फील्ड, इसका मतलब ये हुआ कि ये जून से जुलाई महीने में सॉयल के अंदर रहते हैं और जैसे ही बारिश होते हैं थोड़ा क्लाइमेट चेंज होता है तो वे बाहर आते हैं, और जब मौसम कूल हो जाता है मतलब वीट का सीजन आ जाता है तो वे आसानी से उस क्रॉप को अटैक करते हैं। द पेस्ट हैज ओनली 1 generation इन ए ईयर, इसका 1 साल में 1 ही generation होता है। इसका नेचर ऑफ डैमेज करते हैं पढ़ते हैं, इसका किस तरह से क्रॉप को डैमेज पहुंचाते हैं। ओनली एडल्ट फीड ऑन लीव्स एंड टेंडर शूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट, ये जो होता है एडल्ट इसका वो पत्ते और शूट्स को खाते हैं। दे आर कट जर्मिनेशन सीडलिंग एट द ग्राउंड लेवल, आप कभी कभी खेत में जाते होंगे तो देखते होंगे कि जो जर्मिनेटेड वीट होते हैं कटा हुआ रहता है, तो वो इसी का गुजिया विविल का किया हुआ रहता है, यही इसको अटैक करता है और ये ख़त्म करता है। द डैमेज इज पार्टिकुलरली सीरियस ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। वेन द रबी क्रॉप आर जर्मिनेटिंग, जब ये रबी क्रॉप जर्मिनेट होते हैं। गर्व्स फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉयल, ये जब इसको फीड नहीं मिलता है तो ऑर्गेनिक सॉयल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको ही अपना फीड करते हैं। इसका मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इसका मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं। डीप प्लॉगिंग ड्यूरिंग द अप्रैल टू मई टू डिस्ट्रॉय पीपा, सबसे पहले तो इसको हम डीप प्लॉइंग करते हैं अप्रैल से मई महीने में, जिसके कारण इसका जो पीपा होता है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डस्टिंग द सॉयल विद द फेनवेल बिलेट मेलाथियन एंड मिथाइल पैराथियन 20 to 25 kg प्रति हेक्टेयर एंड रैंकिंग इन टू द सॉयल एट द टाइम ऑफ सोइंग इन इफेक्टिव, जैसे मेलाथियन का हम
डस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम इसका फेनल ब्रेट का हम इस्तेमाल करके इसको हम मैनेजमेंट करते हैं। तो ये था वीटो पेस्ट। ये जो एक टर्माइट है उसे हम इस वीडियो में नहीं पढ़ाए, इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ाए। अगर आप यह देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।